वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्वीन। तो मैं आज बनाने वाली हूँ डोसा। बहुत ही शानदार तरीका से मैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी कि डोसा किस तरीका से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं डोसा बना शुरू करती हूँ। तो चलिए, मैं डोसा बनाने के लिए एक मिक्सी का जार ली हूँ, जिसमें मैं ये एक कटोरी सूजी ली हूँ। मोटा या मेही कोई सा ले सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर जार में मैं इसे पीस ही लूँगी, इसलिए ये एक कटोरी है, इसी से मैं एक कटोरी ली हूँ। एक चम्मच मैं बेसन ली हूँ, वो भी मैं इसमें मिक्स करती हूँ। और दो चम्मच गेहूँ का आटा है, वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। और एक चम्मच में चीनी डालती हूँ। और सारे कुछ डाल के मैं इसे मिक्सर को मैं चला लूँगी। अब देखिए, मैं इसे ग्राइंड कर ली हूँ। इसका टेक्सचर देखिए किस तरीका का है, यह ज़्यादा दानेदार नहीं रहना चाहिए। डोसा बनाने के लिए हमें हल्का सा दरदरा सूजी रहना चाहिए, अच्छी तरह से पीस जानी चाहिए हमारी सूजी। इस तरीका से देखिए हमारी सूजी किस तरीका से पीसी हुई है। इसको पीसने में थोड़ा टाइम भी लगता है, आपको भी थोड़ा टाइम लगा करके पीसनी होगी। इस मिक्सर को मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, इसे मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। चम्मच नमक डालूंगी, स्वाद अनुसार डालना है नमक। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी दही। जितना मैं सूजी ली थी उतना ही मैं दही भी ली हूँ। इसी कटोरी से सूजी ली थी और इसी कटोरी से मैं एक कटोरी दही ली हूँ। अब मैं इन सारे चीज को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए हमारी दही और सूजी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी ताकि अच्छी तरह से दोनों मिक्स हो जाए। और इसको फिर से मैं इसी तरीके से मिला लूँगी। देखिए पानी जो है मेरी इसमें मिक्स हो चुकी है, इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। इसमें चार चम्मच मैं पानी ऐड की हूँ पूरा, और 30 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। तब तक मैं चटनी और सब्जी तैयार कर लूँगी। तो मैं फ्रेंड्स, डोसा का सब्जी तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई गर्म कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। एक टेबल स्पून मैं राई ली हूँ, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए हमारी राई जो है अच्छी तरह से पक चुकी है, दो दाना हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून उड़द का दाल डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून चना का दाल मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छी तरह से पका लूँगी ताकि मेरे दांत में फंसे नहीं, सटे नहीं। अब मैं इसमें हींग डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून से भी कम हींग डालना है। अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। और इसमें मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखिए ये फ्राई हो चुकी है। और इसमें मैं अब डालूँगी 1 बड़ा प्याज।
प्याज को जो है हल्का सा गर्म करना है, फ्राई करना है, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ जो मैं कद्दूकस कर ली थी, 1 टेबल स्पून अदरक है। और इसे भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून हल्दी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरी मसाला जले नहीं, और आलू में भी आलू है जिसे मैं उबाल के और छोटा टुकड़ा में फोड़ ली थी, इसे भी मैं इसी तरीका से मिला दूंगी। इसे मैं 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें धनिया का पत्ता डालूंगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। देखिए हमारी जो है सब्जी तैयार हो चुकी है। नारियल की चटनी बनाना शुरू करती हूँ, जिसमें मैं एक मिक्सर की जार ली हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का टुकड़ा, 2 टेबल स्पून ये मूंगफली है जिसे मैं भून ली हूँ, हल्का सा गर्म कर ली हूँ और छिलका निकाल दी हूँ। और ये धनिया का पत्ता है। मिर्ची है, हरी मिर्च। और ये अदरक का टुकड़ा है। और 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून दही है और थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे मिक्सर जार में पीस लूँगी। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे पीस लेती हूँ। अब देखिए दोस्तों मेरी चटनी जो है अच्छी तरह से पीस चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और इसे तड़का लगा लूँगी। ये देखिए हमारी चटनी जो है बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे तड़का लगाऊंगी। अब मैं चटनी को तड़का लगाने के लिए मैं कढ़ाई गैस पर डाल दी हूँ और ये गर्म भी हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून तेल डाल देती हूँ और तेल को गर्म होने देती हूँ। देखिए हमारी तेल जो है गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून राय और इसे मैं पकने दूंगी। थोड़ा सा फटने का इंतजार करूंगी राय को। और इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून हींग और 1 टेबल स्पून उड़द की दाल। अब मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। अब सारे कुछ जो है पक चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम को ऑफ करके मैं ये सूखी लाल मिर्ची जो है मैं इसे भी इसमें डाल देती हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरीके से चला देती हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें हरी धनिया का पत्ता भी मैं डाल देती हूँ और इसे भी मैं अच्छी तरह से चला लेती हूँ। अब मैं चटनी में तड़का लगा दूँगी। अब मैं इसे तड़का लगा के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। देखिए
कितनी टेस्टी लग रही है। तो चलिए अब मैं सूजी को भी चेक कर लेती हूँ। सूजी को रेस्ट पे छोड़ी थी 30 मिनट के लिए। अब मैं इसे ढक्कन को हटा के देख रही हूँ। देखिए सूजी को रेस्ट पे छोड़ी थी मेरी सूजी का बैटर जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें 1/4 बेकिंग पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। आप चाहे तो इनो भी डाल सकते हैं। ये देखिए डोसा का बैटर जो है मैं तैयार कर चुकी हूँ। इस तरह की कंसिस्टेंसी आप बनानी है आपको अभी, तब हमारी डोसा जो है अच्छी तरीके से बन पाएगी। देखिए अब मैं गैस को मीडियम फ्लेम पर करके और मैं तवा डाल दी हूँ और मेरी तवा गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल के इसे कपड़ा से पोंछ लूँगी। गैस को ज़्यादा फुल में नहीं रखना है, मीडियम में ही रखना है। अब मेरी तवा जो है गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालूंगी और इसे मैं इस तरीके से पोंछ लूंगी और मैं इसमें डोसा का जो बैटर तैयार की थी मैं वो डाल दूँ। अब मैं इसमें बटर डाल देती हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, मिला लूँगी। गैस का फ्लेम को हाई पे नहीं डालना है, मीडियम पे ही रखना है और इसे धीरे धीरे पका लेना है। देखिए अब मैं बटर अच्छी तरह से लगा चुकी हूँ और डोसा को पकाने के लिए हमें तवा को घुमाते रहना पड़ेगा ताकि मेरी डोसा चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। देखिए अब मेरी डोसा जो है अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं इसे फोल्ड कर लेती हूँ, इस तरीका से फोल्ड कर लेना है। देखिए कितनी अच्छी बनी है मेरी डोसा, आप भी इसी तरीका से बनाएं। अब मैं इसी तरीका से दूसरा डोसा भी तैयार कर लूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिला लूंगी। देखिए मैं अच्छी तरह से बटर इसमें डाल दी थी और अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। हम अच्छी तरह से तवा को घुमा के अच्छी तरह से इसे पका लेना है। देखिए हमारी जो ये डोसा है पक चुकी है। अब मैं इसे ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कितनी क्रिस्पी है। इसी तरीका से आप भी बनाएं। ये देखिए हमारी डोसा और सब्जी चटनी सारे कुछ बनके तैयार हो चुकी है। कितनी टेस्टी डोसा और सब्जी चटनी बनी है। देखिए कितनी कुरकुरापन है। इसी तरह से आप भी डोसा बनाएं और खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी।
देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप इसी तरीका से बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। और तो मैं एक बार टेस्ट भी कर लेती हूँ। वाह, बहुत टेस्टी बनी है। इसी तरीका से आप बनाएं, खाएं। आप इसी तरीका से बनाएं जिस तरीका से मैं बताई हूँ, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।